हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर से रिलेटेड है। वैसे तो ये ट्रिक बहुत इजी है, बट आपको ध्यान से समझना है और थोड़ा फील करना है। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर वन कि रेट जो होता है वो डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जनरली अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई रिएक्शन आपका x डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो रेट R है। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर x प्लस 10 कर दिया, तो अब रेट क्या हो जाएगा, 2R, डबल हो जाएगा। जनरली जब तक क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो डबल मानते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि इतना टाइम्स हो गया, तो फिर उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर x प्लस 10 से x प्लस 20, डेट मीन्स अगेन 10 बढ़ा दिया, तो फिर इसका डबल हो जाएगा, तो 4R एंड सो ऑन। तो इसलिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको दे देगा कि किसी टेम्परेचर T पे हो रहा था और T प्लस 50 पे बताओ, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, डेल्टा T बाई 10 निकाल लेंगे। डेल्टा T बाई 10 निकालना बहुत ईजी, राइट। क्यों, क्योंकि किस टेम्परेचर पे हो रहा है प्लस वहाँ से कहाँ आप ले गए, तो वो डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा T निकाल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और उसको अल्फा की पावर में डाल देना है। तो कभी भी रेट एट टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय रेट एट टेम्परेचर टी निकालना हो तो अल्फा की पावर डेल्टा टी बाय 10, वेयर अल्फा 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू होगी। जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो हम 2 लेते हैं और अल्फा को टेम्परेचर कॉफिशेंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जो रिएक्शन होगी वो दो तरह की हो सकती है, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। ध्यान से समझो बेटा, एकदम ईजी है। इंडो में खुद ही वर्ड लगा हुआ इन, दैट मीन्स इसमें हीट इन होगा, और हीट इन होने का मतलब हीट रिक्वायर्ड है। आप खुद ही सोचो, अगर किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है और आपने उसको दिया, तो डैट मीन्स वो सपोर्ट क्या, सपोर्ट करोगे तो वो चीज़ें आगे जाएंगी, राइट। तो इसलिए कभी भी इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो, रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा रेट वर्सेस टेम्परेचर का, वो इंक्रीजिंग होगा। ध्यान दें, ये भी इंक्रीजिंग है, बट ये वाला नहीं आपको ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जबकि रेट बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि इंडोथर्मिक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो फेवर करेगा। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। एक्सो वर्ड से याद रखेंगे एग्जिट, बाहर निकलना, इसमें हीट आउट होती है, डेट मीन्स हीट का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इसलिए आउट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। इन हो रहा है, गेन हो रहा है, राइट, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। कभी दिक्कत हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या रेट कांस्टेंट आपका कम होगा। ये वो पहला केस है जहाँ पर रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। पॉइंट नंबर 4 कि जब अगर हम ग्राफिकली डेल्टा एच निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला फिक्स है, ऑलवेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डिफाइंड होता है ये, राइट, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का। याद रखने के लिए मैंने सिंपल कनेक्ट किया FB, फेसबुक, जो डेट मीन्स फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑलवेज करना है, या प्रोवर्ड से याद रखना है ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। इसका फॉर्मूला बेटा जो है ना वो फिक्स है, ये ध्यान रखना, ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये होगा। अब जो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आ गई अगर ये डेल्टा एच, तो इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है, नेगेटिव आ गया मतलब एक्सोथर्मिक है। जहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, जो एनर्जी है प्रोडक्ट का वो कम है और रिएक्टेंट का वाई एक्सिस पे है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच मेरा क्या आने वाला है, प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा, नेगेटिव। इसलिए ये कैसा ग्राफ है, किसका, एक्सोथर्मिक का। तो आपको कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, चार ग्राफ दे दिया, विच इज इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ। पॉइंट नंबर 2 इसमें ध्यान देना है कि डेल्टा एच को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, जहां पर रिएक्टेंट होगा उससे पीक पॉइंट का डिफरेंस, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे बैकवर्ड का कैसे निकालेंगे, जहां पर आपका प्रोडक्ट होगा उससे पीक पॉइंट का डिफरेंस, वो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की होगी। और ये फॉर्मूले से आपको ऑलवेज निकालना है, इस पे बेस भी कई बार प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जो कि सिंपल है एकदम, राइट।
अब अगर इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? देखो बेटा, कैटलिस्ट ऐड करने से सिर्फ रिएक्शन का क्या चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो, पहले ये वाला पाथ था तो अब ये वाला रास्ता इसने चुन लिया, बस पाथ चेंज हो जाता है। और मैंने चूंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको थोड़ा कम किया है तो इसलिए ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। निगेटिव होता तो इस ब्लैक वाले से ऊपर में होता, डैट इज ओके। तो कैटलिस्ट ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिएक्शन का पाथ चेंज हो रहा है। डेल्टा एच में कोई चेंज हो रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी एनर्जी जो प्रोडक्ट की थी रिएक्टेंट की, वो सेम ही रहती है। कैटलिस्ट ऐड करने से एनर्जी प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता, एनर्जी रिएक्टेंट का चेंज नहीं होता, डेल्टा एच चेंज नहीं होता, रेट कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। क्योंकि जनरली बच्चों के माइंड में आ जाता है कि ये सब चेंज हो जाएगा, बेटा कुछ भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है सर? रिएक्शन का पाथ। और क्या चेंज होता है? जितना फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है उतना ही बैकवर्ड का, क्योंकि एक तरह से क्या समझो, ये पहाड़ है तो राइट पहाड़ थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे आ गया, तो दोनों में चेंजेस सेम रहेंगे। इसलिए चेंज क्या हो जाएगा? रिएक्शन का पाथ। या और क्या चेंज होगा? रिएक्शन के कंप्लीट होने का टाइम, वो चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें चेंज नहीं होती है। कैटलिस्ट ऐड करने से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपको अगर इस तरह से ग्राफ दे दे और ये रिएक्टेंट है और ये यहाँ प्रोडक्ट है, इस पॉइंट को क्लियरली समझना बहुत ईजी है। ये ट्रांजिशन स्टेट को आप कैसे पहचानेंगे? जो पीक पॉइंट होगा, और इंटरमीडिएट को वो भी डाउन वाला पीक पॉइंट जितना भी होगा वो इंटरमीडिएट होगा, राइट? तो इसलिए ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना है कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट ऑलवेज होगा, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इसलिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस 1 होगा। तो ये सारे पॉइंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप एक बार तो देख लीजिए। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि कौन सा करेंट ग्राफ है पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। तो यू नो पॉजिटिव कैटलिस्ट से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, राइट? तो पहला वाला ग्राफ क्यों रॉन्ग हो गया? ध्यान से देखो, ये डॉटेड वाले जितने भी है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसका इससे ऊपर हो गया जबकि नीचे ही रहेगा, राइट? तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बी वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम है। सी वाला क्यों रॉन्ग हो गया? ध्यान से देखो, कभी भी जो कैटलिस्ट का ग्राफ होगा वो नॉर्मल ग्राफ से अंदर में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये बाहर चला गया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ भी इसका पीक पॉइंट ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, आप ध्यान से देखो, तो इसलिए वेरी इजी है। और ये 2023 में आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जस्ट ग्राफ से आपको पिकअप करना है कि कौन पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट का बोलेगा तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल ग्राफ है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वाले इसके अंदर में ही होंगे और नेगेटिव कैटलिस्ट वाले ऑलवेज इसके ऊपर में होगा, ये ध्यान रखना है। ये आपका नेगेटिव का है, ये डॉटेड वाला पॉजिटिव का है, और ये वाले विदाउट कैटलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका रिसेंटली 2023 में ही पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है कि इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया गया है, इसमें कितने इंटरमीडिएट होंगे, तो कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा। वेरी वेरी इजी, ध्यान से देखो कैसे। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अभी आपको ट्रिक में बताया, ऑलवेज जितने पीक पॉइंट होते हैं डेट इज ट्रांजिशन स्टेट उससे एक कम। तो ध्यान से देखो पीक पॉइंट, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ है, 1 राइट, ये एक पीक पॉइंट है अप वाला जितना भी, और ये 3। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या उसी को नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, तो आंसर कितना रहेगा, 3। इंटरमीडिएट ध्यान से देखो, ये वाला जो डाउन वाला पीक पॉइंट होंगे वो सब इंटरमीडिएट होगा, तो 2 ही हैं, राइट? तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, 2। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होंगे, राइट? और सबसे स्लो कौन होगा, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी का गैप ये है, राइट? जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ध्यान से देखो ये एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बाकी में फिर एनर्जी का गैप कम है। यहाँ ध्यान से देखो, ये एक गैप, बस आपको क्या देख लेना है कि जो लोएस्ट पॉइंट है और पीक पॉइंट है उसके बीच का गैप। तो एक ये गैप है आपका, राइट? एक आपका ये गैप है जो आप ध्यान से देख रहे हो, और एक आपका ये गैप है। 3 गैप है, आप खुद ही देख लो ध्यान से, आपकी आंखों के सामने सबसे बड़ा गैप कौन है, वो। तो इस वाले पाथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्लो इसी में होंगे, तो इसलिए वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा है, ये 2 वाला, तो S2।
तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आए हुए, आप ध्यान से देखो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में चार ग्राफ गिवन था और पूछा जा रहा है कि विच इज करेक्ट फॉर इंडोथर्मिक। ध्यान दें, इंडो इन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट कम होता जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज ग्राफ आएंगे, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जा करके ये फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट बढ़ता जा रहा और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, राइट, तो इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा एच गिवन था माइनस में, ध्यान दें माइनस में 20 किलो जूल, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल है, तो बैकवर्ड का क्या होगा, 2021 में पूछा गया है। तो अगेन सिंपल, आपको क्या बताया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, फेसबुक से याद रखना था आपको, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वही पुट करना है, माइनस 20 इज इक्वल टू फॉरवर्ड का 30 माइनस ई ए बैकवर्ड, तो यहाँ से ई ए बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इधर ले आओ तो 30 प्लस 20 डेट इज 50, योर आंसर विल बी 50, ये पूछा हुआ है इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा एच गिवन था माइनस में 40 किलो जूल, राइट, फॉर ए गिव्स यू बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो 2/3 है, तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, इससे इजी क्या हो सकता है, आप देखो 2015 में पूछा हुआ है, अगर इसका रेशियो 2/3 है तो ध्यान से देखो ये 2/3 रेशियो बनेगा नहीं, 30/70 2/3 नहीं हो सकता, 70/30 7/3 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, 80/120 यस यही हो जाएगा 2/3, राइट, 4 × 80 4 × 3 = 120 और 60/100 ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और अगर इसको सॉल्व करना हो तो वेरी सिंपल, डेल्टा एच इज गिवन टू यू, डेल्टा एच कितना आपका, ध्यान से देखो, माइनस में 40, डेट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, आपको रेशियो गिवन है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, अब पुट कर दो तो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज इक्वल टू माइनस में 40। तो अब ध्यान से देखो, ये 3 − 2 − 1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए बैकवर्ड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए ई ए बैकवर्ड क्या हो जाएगा आपका, 40 × 3 डैट इज 120, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ग्राफ गिवन था और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, डैट मीन्स सी से क्या बनाना है, ए एंड बी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, तो ध्यान से देखो सी यहाँ है और इससे ए और बी, तो डेफिनेटली ये हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैप आप देख सकते हो, क्योंकि सी से ए भी अगर बनाना है तो आपको पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से खुद ही उतर जाएंगे, राइट, समझने के लिए सिंपल सा, तो सबसे ज़्यादा हाई एक्टिवेशन है तो ये तो करेक्ट है। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, डी कहाँ है, यहाँ है, तो डी का अगर आप ध्यान से देखो तो 10 है, जबकि वहाँ पे सी जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, इनफैक्ट अगर देखो ध्यान से तो 0 है, वी कैन से, क्योंकि रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे ही है, तो इस जिसका ज़्यादा एनर्जी होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सही है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, तो इसलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। और कैसे चेक करो, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन डेट टू फॉर्म डी, एक बार सी बनाना है और एक बार डी, तो एक बार ध्यान से देखो, ए प्लस बी से जब सी बनेगा तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, ध्यान से देखो, 20 में से 5 गया तो 15, राइट, और ए प्लस बी से अगर मुझे डी बनाना है तो ध्यान से देखो गैप कितना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, 15 − 5 डेट इज 10, तो क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस, लेस वर्ड गलत हो गया, मोर है, ध्यान से देखो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गैप तो 5 का बट
5 किलो जूल पर मोल मोर देन डेट ऑफ डी है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे, कभी भी कोई चीज बनाना, जैसे सी से ए भी बनाना है तो आपको ध्यान से देखना है कि बस सी को यहां तक पहुंचा देना है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद वो खुद ही उतर जाएगा। ऐसा मानो एक पहाड़ है तो वहां तक अगर हम चढ़ गए तो उतरना इजी है। बस ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये कंसेप्ट, ये लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। तो सिंपल आपको क्या फंडा दे रखा हूँ, 2 की पावर, डबल बोल रहा है इसलिए 2 की पावर डेल्टा टी बाई 10, डेल्टा टी कितना है 50, तो 2 का पावर 50 बाई 10 तो कितना हो गया 2 की पावर 5, डेट इज 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 180 है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 200 है, अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा। तो आपको बता रखा हूँ, कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या रेट कांस्टेंट, ये सब चेंज नहीं होता है। तो जो पहले होगा वही बाद में भी होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, राइट। एफ बी वर्ड से याद रखेंगे, फॉरवर्ड आपको गिवेन है 180 माइनस 200, डेट इज माइनस 20, तो आंसर ए हो जाएगा, प्लस मत कर देना और ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर की अगर बात हो तो ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिकुलरिटी की बात करें, डेट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ए टाइम कितना कोलाइड हो रहा है, तो आइदर वो वन हो सकता है सिमिलर मॉलिक्यूल वाले, या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल वाले हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, और रेयरली कभी कभी थ्री तक जाता है। तो मॉलिकुलरिटी जो है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और फिक्स आइदर वन होगा, ज्यादा चांस उसी के रहते हैं, या टू होगा, थ्री भी रेयर हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, बट ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे वो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, आप देख सकते हो कितना इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी इस पे प्रैक्टिस करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।